रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सैटेलाइट हॉस्पिटल में सुविधा करने को लेकर प्रदर्शन। रेजिडेंट डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में भी हालत को सुधारने की रखी मांग। रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज अपनी मांगों को लेकर जेल अस्पताल के आपातकालीन विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए सैटेलाइट हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है, चाहे वो मरीज के लिए हो या फिर डॉक्टरों के लिए। साथ ही इनका कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टरों को दिए गए हॉस्टल की भी हालत खराब हो रही है, उसे भी सुधरवाया जाए। अपनी मांगों को लेकर आज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आज हम मीडिया बंधुओं के सामने ये बताना चाहते हैं कि विगत काफ़ी समय से जो सैटेलाइट अस्पताल है अजमेर संभाग में, उसको काफ़ी लंबे समय से जनता के हित में ये मांग चली आ रही थी कि उसको डेवलप किया जाए और मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे बढ़ाई जाएं। वो सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की मूलभूत सुविधाएँ, मरीजों की गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएँ सबके अभाव में जो लोकल जो प्रशासन है, हमारे अस्पताल प्रशासन है, प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स की परमानेंट पोस्टिंग लगाने के आदेश जारी किए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे अगर सुविधाएँ शुरू होंगी, चिकित्सक राउंड द क्लॉक अवेलेबल होंगे, तो जनता का बहुत बड़ा हित है, जो वाकई स्वागत करने योग्य कदम है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक मेडिकल कॉलेज का जो मूल उद्देश्य है कि आप भविष्य के लिए जो अच्छे डॉक्टर्स आप तैयार करने जा रहे हैं, उन सारे डॉक्टर्स की जो शिक्षा प्रणाली है उससे आप समझौता ना करें। तो हमारा प्रिंसिपल महोदय से, लोकल प्रशासन है, सरकार से भी यही मांग है कि रेजिडेंट डॉक्टर सबसे हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रेजिडेंट जो कॉम है वो बहुत मेहनत करने के लिए जानी जाती है। हमें काम करना है, सीखना है, हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम लोग वहाँ भी काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हमारी ये मांग है कि आप क्यों ना जो अपना जो JLN अस्पताल है उसके अनुरूप ही वहाँ का विकास क्यों नहीं करके दे रहे आप। वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए बेसिक बैठने की सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे मरीजों के लिए गंभीर बीमारियों के लिए इलाज की सुविधाएं नहीं हैं। आप आम जन को वहाँ से हर जांच के लिए, हर चीज़ के लिए, किसी भी मशवरे के लिए आप वहाँ सैटेलाइट से यहाँ पे JLN रेफ़र करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मरीजों के भी हित में नहीं हैं। और जो आप आने वाले समय के लिए जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो तैयार कर रहे हो, जो आगे जा कर के अपने राज्य का, इस कॉलेज का, देश का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, आप इतनी कमज़ोर कौम आप पैदा करके देंगे डॉक्टर्स के नाम पे, जो कि उनके भविष्य के साथ में, हम लोगों के भविष्य के साथ में और आने वाली जो जनरेशन हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। तो बेसिकली हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए है। इसके अलावा जो दूसरी मांग हमारी ये है कि काफ़ी लंबे समय से हम जो हमारे जो प्रिंसिपल सर महोदय हैं और जो प्रशासन आला अधिकारी हैं, समय समय पे हम मौखिक रूप से, लिखित में हमेशा ये निवेदन करते आए हैं कि महोदय जो रेजिडेंट डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक इतना काम करते हैं, उनके लिए जो रहने के लिए जो सरकारी जो हॉस्टल है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कृपया आप उसका अवलोकन कर और उसका जो भी जीर्णोद्धार कर कम से कम उसको रहने योग्य बनाएं। लेकिन हुआ ये हमारे साथ में कि उसका विकास करने के नाम पे, जीर्णोद्धार करने के नाम पे लाखों रुपए खर्च हो गए। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, ये तक सुना है कि हमें यही नहीं पता कि 95 लाख रुपए हॉस्टल के जीर्णोद्धार के नाम पे खर्च हो जाते हैं, और रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें कि साफ़ पानी हो, अच्छा रहने को हो, साफ़ सफाई हो, मेस की अच्छी फैसिलिटी हो, जहाँ पे कि वो अच्छे से खाना खा सकें, अच्छे से सो सकें, कोई भी एक सिंगल फैसिलिटी आज की डेट में रेजिडेंट डॉक्टर्स को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। मतलब ये कितनी त्रासदी की बात है कि डॉक्टर्स को पीने के पानी के लिए भी पैसे दे करके अपनी जेब से बाहर से पीने का पानी मंगवाना पड़ता है, जबकि आप मरीजों के हित में आप बात कर रहे हैं। जो 18 घंटे कोई बंदा अगर काम करके वापस अपने रूम पे जा रहा है और आप उसको एक साफ पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो आपकी जो सुविधाएं हैं किस स्तर की आप दे रहे हैं, इससे यहीं से ही प्रतीत हो जाता है। स्ट्राइक आगे जाएगी? स्ट्राइक हमारा जो मूलभूत जो मोटो है, जो सैटेलाइट वाला मुद्दा है, जो हॉस्टल की सुविधाएं, समय पे तनख्वाह मिलना, ये सारे जो मुद्दे हैं ये पहले से ही प्रिंसिपल महोदय के नॉलेज में हैं। तो हमारी ये है कि आज 2 घंटे स्ट्राइक है, हम ऑलरेडी 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले सर को बताते रहे, लिखित में, मौखिक रूप से तो अरसा हो गया हमें बताते हुए। तो हमारा यही है कि अगर हमारी मांगों पर अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना कोई सकारात्मक कोई उनका रवैया हमें देखने को मिला है, और जिस तरह से तानाशाही रवैया अगर अगले 24 घंटे और जारी रहा, तो हमें मजबूरन बस
हमें कल सुबह 9 बजे के बाद में हम कभी भी कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा कल 9 बजे के बाद। इसमें समस्त जो जिम्मेदारी है वो लोकल प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन एवं आला अधिकारियों की होगी। आज 2 घंटे का था, 8 से 10, कल पूर्ण कार्य बहिष्कार भी हो सकता है। कल 9 से जो 11 तक हमारा 2 घंटे का बहिष्कार है और उसके बाद है ना हम कभी भी पूर्ण बहिष्कार पर जा सकते हैं अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती। नाम आपका? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह नरुका, प्रेसिडेंट रेजिडेंट ऑफ